बच्चों की तरबियत आसान भी बहुत है और बच्चों की तरबियत मुश्किल भी बहुत है। आसान तब है जब हम इसको समझकर करना शुरू कर दें। टेक्निकल कुछ चीजें हैं, कुछ रवैये हैं, अगर हम अपने घरों के अंदर उसको रिवाज दे दें तो बच्चों की खुद ब खुद तरबियत होना शुरू हो जाएगी। यानी घर का माहौल ऐसा बन जाएगा कि हर बच्चा उसमें अच्छी तरबियत पा रहा होगा, बजाय इसके कि एक एक बच्चे को पकड़ पकड़ कर आप चीजें समझाएं और बताएं। आप घर का माहौल ऐसा बना दें, ऐसे रवैये अख्तियार कर लें कि हर बच्चा ही उसके अंदर सीख रहा हो। मिसाल के तौर पर मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे घर के अंदर हमारे बड़े यानी दादा जान, हमें उनकी तरबियत याद है कि जब हम खाने के लिए बैठते, इकट्ठा दस्तरखान लगता, तो हम में से हर एक को पहले से यह बात बताते समझाते कि बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाना शुरू करेंगे और खाना उतना डालेंगे जितना हम खा सकते होंगे। खाना बार बार डाला जा सकता है सालन, लेकिन बचाया नहीं जा सकता। हमें याद है कि हमारी ऐसी तरबियत हो गई थी सबकी, तमाम तर बच्चों की, हमारे हमने अपने वालिद को भी देखा, अपने ताया जान को भी देखा, अपने आगे उनकी औलादों को देखा। हम 10 बच्चे थे आगे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ताया जान, चचा जान और हम सब बहन भाई, हम सब देखते थे, किसी एक की भी प्लेट में सालन बचा हुआ नहीं होता था। इसलिए क्योंकि एक माहौल बन जाता था, वो खुद भी नहीं छोड़ते थे। जब हम देखते थे हमारे दादा नहीं छोड़ रहे, हमारे वालिद नहीं छोड़ रहे, हम कैसे, हमारे बड़े नहीं छोड़ रहे तो हम कैसे छोड़ेंगे। आज तक ये आदत बनी हुई है कि इतना सालन लेना है जितना कि हमें जरूरत है, दोबारा लेने की जरूरत पेश आए तो दोबारा ले लेंगे। आप देखते हैं किसी प्रोग्रामों में, शादी ब्याह में, फंक्शन में इतना खाना खाया नहीं जाता जितना जाया हो जाता है। असल में वो तरबियत का फुकदान है। हमने घरों में तरबियत नहीं की, घरों में सालन ज्यादा ज्यादा भर लेते हैं, फिर उसके बाद वो फिक रहा होता है। ये अल्लाह के रिजक की नाकदरी भी है, ये बच्चों की तरबियत का फुकदान भी है, बल्कि मैं कहूंगा वालदैन की नालायकी है कि वालदैन ने इस चीज को सही वक्त के अंदर बच्चों के अंदर पैदा नहीं किया और ऐसा माहौल नहीं दिया जिस माहौल में बच्चे जो है वो अच्छे तरीके से परवरिश पा सकें।